हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम दिस इज मी डॉक्टर आयशा मलिक वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाउ आई स्टार्ट टॉपिक ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें लाइक करें उसको शेयर जरूर करें अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ वट इज़ कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट हैं वो क्या है पहले हम बताएंगे कि वट इज़ कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज एज अूनिट टू प्रोसेस डाटा इज कार्ड कंप कंप्यूटर सिस्टम अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब दोनों को इकट्ठा करके यूज़ किया जाता है डाटा को प्रोसेस करने के लिए तो वो जो सारा सिस्टम यूज़ हो रहा होता है उसको हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर हार्डवेयर एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दो इसके बेसिक कंपोनेंट एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर अब हम इन दोनों के इसके दो मतलब किता दें हार्डवेयर है और एक इसका सॉफ्टवेयर अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कार्ड हमें ये बात बचपन से पता है कि जो चीज़ को हम टच कर सकते हैं वो हमारे पास हार्डवेयर में आती है वो कंप्यूटर की हार्डवेयर कैन बी टच और सीन बाय यूजर यूजर जो उसको देख भी सकता है उसको टच भी कर सकता है जैसे मैंने पहले बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर आर एस फॉलो इसके अब डिफरेंट टाइप्स में बता दिए इनपुट डिवाइस सेंट्रल सीपीयू और इसका आउटपुट डिवाइस और इसकी स्टोरेज जो जो इसको स्टोर करती है और इसकी मेमोरी चीज इन सब की डिटेल्स मैंने आपको अभी इसी वीडियो में देनी है और ये देखें सारे इसके इन्होंने हार्डवेयर की एग्जांपल्स बताई हैं ये देखें हमारा कीबोर्ड है माउस है डिस्क है ये कंप्यूटर है ये सारे प्रिंटर हर चीज़ अब इन सब की डिटेल्स मैं आपको अभी देती हूँ उससे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर का बताती हूँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है वट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है भाई ये कर लो या ये कर लो जो चीज़ हमने उसके अंदर आ, मतलब कि उससे करवानी है उसको डाटा को आ, प्रोसेस करने के लिए उस उसको हम सॉफ्टवेयर कहेंगे सॉफ्टवेयर इज आल्सन नोन एज अ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्पेसिफाइज सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर अब जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेशन को सीक्वेंस वाइज जो है वो परफॉर्म करता है द कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन अब जो कंप्यूटर है वो वर्क करता ही जो है ना वो सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन पर मतलब जो सॉफ्टवेयर उसको दिया जाना ही है या जो सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन उसे राइट right में मिलनी है उसे हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करना है अब मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको कंपोनेंट ऑफ हार्ड कंप्यूटर कंप्यूटर हार्डवेयर के जो है वो मैं आपको कंपोनेंट जो है वो डिस्कस करूँगी तो इसका फर्स्ट था इनपुट डिवाइस वट इज़ इनपुट डिवाइस द डाटा और द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट अब जो डाटा और इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं जो चीज़ हम दे रहे हैं कंप्यूटर को उसको हम इनपुट डिवाइस कहेंगे हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइस अब हार्डवेयर कंप्यूटर जो है वो यूज़ किस लिए होता है वो इसलिए यूज़ होता है कि हम एंटर करें डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर और उसको हम बोल दें इनपुट डिवाइस मोस्टली यूज इनपुट डिवाइस आर की बोर्ड माउस माइक्रोफोन स्कैन डिजिटल कैमरा पी सी कैमरा ये सारी तो आपको सिंपल एग्जाम्पल्स का इसके बारे में आइडिया है क्योंकि सबके घर में हर स्टूडेंट ये चीज़ें ये देखेंगे यूज़ करता है हर हर किसी को पता है अब नेक्स्ट है इसका आउटपुट डिवाइस व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस द डाटा प्रोसेस इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन जो डाटा प्रोसेस होकर एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बना देता है जो कि काम की चीज़ है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे और इसके बाद हार्डवेयर कम्पोनेंट यूज अब ये वो हार्डवेयर कंपोनेंट यूज़ होता है टू प्ले डिस्प्ले टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूजर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस ये जो है वो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन करता है

वो उसमें पाए जाते हैं ऑल कंप्यूटर सिस्टम्स हैव अ सिस्टम यूनिट हर कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक सिस्टम यूनिट ज़रूर होता है मस्ट होता है द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन द सिस्टम यूनाइट आर कनेक्टेड टू द मदर बोर्ड इसको हम मदर बोर्ड के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं सही है मदर बोर्ड इज़ आल्सो कॉल्ड मदर बोर्ड को हम दूसरा नाम क्या देंगे सिस्टम बोर्ड मेन बोर्ड ठीक है द सिस्टम बोर्ड इज़ द कम्युनिकेशन मीडियम फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम जो सिस्टम uh, बोर्ड कह लें आपका मेन बोर्ड कह लें या मदर बोर्ड है ये सारी ना ये कम्युनिकेशन मीडियम है इंटायर जो हमारे पास पूरा कंप्यूटर का सिस्टम है उसके लिए कम्युनिकेशन का जो है ना यही जरिया कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम यूनिट आर सी एंड मेमरी इसको हम सी और यू मेमरी भी कह सकते हैं उसके वो एग्जाम्पल आगे हमारे पास आ जानी है स्टोरेज डिवाइस व इज स्टोरेज डिवाइस द हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज टू स्टोर डाटा स्टोरेज से हमें पता चल रहा है कि जो जो डिवाइस हैं जो हार्डवेयर कंपोनेंट हमारे पास डाटा को स्टोर करेगा इंस्ट्रक्शन को इंफॉर्मेशन को उसको हम स्टोरेज डिवाइस कहेंगे परमानेंटली आर कार्ड स्टोरेज डिवाइस इट इज़ नॉन वलेटाइल ये नॉन वाल होता है मतलब कि मूव नहीं कर सकते क्यों क्योंकि इट बिकॉज इट कॉन्टेंट्स रिमेन सेफ क्योंकि इसके कॉन्टेंट्स जो हैं वो सेफ रहते हैं वन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ जब कंप्यूटर को हम स्विच ऑफ कर देते हैं बंद कर देते हैं फिर भी इसके अंदर ये जो है डाटा स्टोर रहता है ये नहीं होता कि स्विच ऑफ करते ही जो है ना वो डाटा उड़ जाए उसके बाद सम कंपोनेंट यूज़ डिवाइस आर फ्लोपी डिस्क इसकी उन्होंने जो है ना वो एग्जाम्पल बता दी हैं जिप ड्राइव हार्डवेयर सी डी रोम सी डी रैम और डी वी डी रोम ड्राइव ये सारी चीज़ें अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे सॉरी हमारे पास आ रहे हैं कम्युनिकेशन डिवाइस कम्युनिकेशन से हमें पता चला है कि जो कि कम्युनिकेट करते हैं राबाता कायम करते हैं दो चीज़ों के द हार्डवेयर कम्पोनेंट यूज़ टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डाटा जो कम्युनिकेट करते हैं या राबा रखते हैं एक्सचेंज करते डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉमेशन विद अदर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ उसको हम कम्युनिकेशन डिवाइस एंड इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आर इज कार्ड और इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन डिवाइस को हम मॉडर्न भी कहते हैं इट द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स वायर टेलीफोन लाइन और केबल ये किसके साथ जो है किसके थ्रू जो है ये कम्युनिकेशन हो सकती है वो है हमारे पास टेलीफोन हमारे पास टेलीफोन लाइन और केबल आगे नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट डिवाइस व्हाट इज इनपुट डिवाइस एनी थिंग गिविंग टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइस जो भी चीज़ हमने कंप्यूटर को देनी है वो हमारे पास इनपुट डिवाइस है हमारे पास डाटा है इंस्ट्रक्शन है सही एन इनपुट डिवाइस इज़ अ हार्ड कंपोनेंट डेट इज़ यूज टू एंटर द डाटा ये हार्ड कंपोनेंट होता है जो कि डाटा को एंटर uh, करता है इंस्ट्रक्शन को एंटर करता है कंप्यूटर के अंदर अब इसकी मैं आपको अभी टाइप्स बता देती हूँ ये देखें इसके आ, हमने आ, ऐसे सब की जो है वो डिटेल्स नहीं करनी मैं जस्ट इनके नेम्स को इसकी टोटल जो है वो इलेवन टाइप्स हैं सही है सबसे पहले हमारे पास कीबोर्ड कीबोर्ड को आपने देखा हुआ है ये सब जो है वो यूज़ करते हैं मैसेजेस पे तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो करते हैं। उसके बाद हमारे पास माउस है माउस माउस के बाद हमारे पास ट्रैक बॉल ट्रैक बॉल के बाद टच पैड ये देखें हमारे पास ट्रैक बॉल टच पार्ट पॉइंटिंग स्टिक्स और ये देखें ग्राफिंग टेबल्स ग्राफिंग टेबल टैबलेट टेबल, और उसके बाद हमारे पास टच स्क्रीन डिजिटल स्क्रीन डिजिटल कैमरा लाइट पेन जॉय स्टिक्स और आज तक था हमारा यहाँ तक टॉपिक और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय बाय